गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मानव अधिवास, उस मानव अधिवास में हमने ग्रामीण निवास पढ़ लिए थे और नगरीय निवास भी हमने शुरू कर दिया था। तो नगरीय निवास की कुछ विशेषताएं थी और उन विशेषताओं के आधार पर हमें नगरीय निवास किसे कहते हैं, क्या उनका गोल रहता है, इन सब में हमने जिक्र कर लिया हमारी जो प्रीवियस क्लास थी। और उसके बाद में उन विशेषताओं के आधार पर और उन तथ्यों के आधार पर कि जिसको नगर हम कह सकते हैं, उन क्या कहते हैं नगरों का वर्गीकरण किया था। तो कल हमने एक वर्गीकरण कर लिया था जनसंख्या के आधार पर, इसके आधार में जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या का जो आकार है, जनसंख्या की ऐसे कह सकते हैं आकार के आधार, जनसंख्या के आकार के आधार पर हमने एक अधिवास जो नगर का एक रूप था वो पूरा कर लिया। हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा है वो व्यावसायिक व्यवस्था के अनुसार, व्यावसायिक जो संरचना है उसकी व्यवसायी संरचना क्या है। किसी को हम नगर कहें, हम किसको नगर कहें, तो नगर किसे कहें, उसके लिए हम तथ्य लेते हैं और उनके आधार पर निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि किसे नगर कहेंगे और किसे नगर नहीं कहेंगे। तो जनसंख्या के आधार पर हर देश ने अपने अपने जनसंख्या के निर्धारण कर रखा था कि इतनी संख्या अगर होगी तो उसे नगर कहेंगे, इतनी संख्या होगी तो उसे नगर कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब तो बार बार की व्यावसायिक संरचना की आती है, इसके आगे हम व्यावसायिक संरचना की आती है और व्यावसायिक संरचना के आधार पर कितने लोग जो है वो किस व्यवसाय से जुड़े हुए, कितने लोग जो है वो किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर व्यवसाय जिसका नाम हम कौन से व्यवसाय के संबंध रखते हैं, प्राथमिक व्यवसाय, और दूसरा जो लिखते हैं वो लिखते हैं गैर कृषिगत व्यवसाय। इसमें आपके दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सारे व्यवसाय जो है उनका संबंध हम करते हैं गैर कृषिगत व्यवसाय से, और कृषिगत व्यवसाय का जो संबंध करते हैं वो करते हैं प्राथमिक व्यवसाय, यानी प्राथमिक व्यवसाय का जो संबंध वो कृषि या कृषि से संबंधित जो भूमि के नजदीक वाले जितने भी अध्ययन करते हैं, हम प्रकृति के संदर्भ में जो अध्ययन करते हैं, इनका सीधा ही उपयोग किया जा सकता हो, इनका सीधा ही कार्य किया जा सकता हो, तो भेड़ बदल में कुछ नहीं होती हो, ऐसे कार्य को हमें प्राथमिक व्यवसाय के अंदर शामिल करते हैं। कृषि है, खनन है, खेत है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, तो ये सारे जो है वो इसके अंदर आते हैं। दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे अब इन व्यवसायों का जो संबंध किया गया है किया गया है ग्रामीण व्यवसाय से, किसे ग्रामीण अधिवास से, इससे संबंध किया गया है, इसका ग्रामीण अधिवास से इसका संबंध किया गया है, और इन सबका जो किया गया है वो नगरीय अधिवास से किया गया है, इसे किया गया है नगरीय अधिवास से। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन व्यवसायों में जो लोग संलग्न होंगे उनको हम कौन से नगर का दर्जा देते हैं, नगर का दर्जा देते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि नगर किसे कहें, तो नगर किसे कहें इसके लिए हमने आधार पढ़ा था जनसंख्या के आधार के अंदर, अब पढ़ रहे हैं व्यवसाय संरचना के आधार पर। तो नगर के लिए जो व्यवसाय है वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय है, ग्रामीण निवास के लिए जो है वो प्राथमिक व्यवसाय है। तो इन सभी व्यवसायों को मुख्य रूप से मूल रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय कृषि से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको हम प्राथमिक व्यवसाय हैं। इसके अलावा कृषि के अलावा जितने भी व्यवसाय हैं, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इनमें आपकी शिक्षा है, यातायात है, बैंकिंग है, आपकी बीमा है, शिक्षा है,
ठीक है ना, प्रबंधन है, परामर्श है, ये सारी चीजें जो है वो इनसे संबंधित जो भी व्यवसाय होगा वो इससे शामिल कर लिया जाएगा। तो इन व्यवसाय का डाटा क्या निकल जाता है, ये व्यवसाय अब कितने प्रतिशत लोग जो है, अब सीधा सा है कि ये जो व्यवसाय है वो लग रहे निवास के व्यवसाय की गैर विशिष्ट व्यवसाय जो है वो ही विशिष्ट व्यवसाय की श्रेणी में गिना जाता है। नगरीय व्यवसाय जो होते हैं उनको गैर विशिष्ट व्यवसाय, तो इसे नगर कहेंगे। कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है उस नगर की कौन से व्यवसाय में लगी हुई हो तब उसे हम नगर का दर्जा देते हैं। तो इसका कारण यह है कि विश्व के बहुत से देश है जहां 50% जनसंख्या का मापदंड रखा है, बहुत से इटली है, जापान है, ठीक है ना। तो जैसे इटली है, जापान है, वहां 50% लोग जो है अगर वो गैर कृषिगत कार्य में, यानी आधे कृषिगत में और आधे गैर कृषिगत में, तो उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र का नगर को दर्जा दिया जाता है, उस क्षेत्र की कम से कम 50% जनसंख्या जो है वो गैर कृषिगत कार्यो में संलग्न होनी चाहिए, तभी उसको नगर का दर्जा दिया जाता है। इस आधार से व्यवसायिक संरचना के आधार जो प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम जो सारे व्यवसाय मिलते हैं, इन व्यवसायों को हम कहते हैं व्यवसायिक संरचना। तो ये जो व्यवसायिक संरचना है इसके आधार पर निर्धारित करते हैं कि किसी भी देश की 50% जनसंख्या जो है वो अलग अलग देश अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं, लेकिन एक मुख्य रूप से मोटे मोटे रूप से मानते हैं जैसे इटली है, जापान है, तो वो देश क्या कहते हैं कि 50% जनसंख्या जहां गैर कृषि कार्यों में लगी हुई हो उस क्षेत्र को हम किसका दर्जा देते हैं, नगर का। इटली में इसको नगर का दर्जा दिया है, जापान में इसको नगर का दिया है, लेकिन जहां बात आती है भारत की, तो भारत में जो नगर का दर्जा दिया जाता है उस नगर के दर्जे में जितनी भी जनसंख्या होती है उस जनसंख्या का 75% हिस्सा जो है वो गैर कृषि व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए। ये ध्यान रखें, मेरी बात समझ आई भाई। जैसे इटली है, जापान है या अन्य यूरोप के देश है, वो ऐसा मान रहे हैं कि नगर किसे कहेंगे जहां 50% लोग जो है वो कृषिगत कार्यो के अंतर्गत गैर कृषिगत कार्यो में क्या रहे, संलग्न रहे, तभी उसको नगर कहेंगे, ठीक है। भारत जो है हमारा, तो भारत के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है कि किसी भी क्षेत्र की जिसको नगर का दर्जा देना है, इसको नगर बनाना है, उस क्षेत्र की 75% जनसंख्या, 75% जनसंख्या, 3/4 हिस्सा जो है जनसंख्या का वो गैर कृषि कार्यो में लगा होना चाहिए, यानी उनका व्यवसाय जो होगा वो कृषि व्यवसाय यानी प्राथमिक व्यवसाय नहीं होना चाहिए, बल्कि तीसरे चौथे और पांचवे व्यवसाय में वो जनसंख्या संलग्न होनी चाहिए उस क्षेत्र की जिस क्षेत्र को नगर का दर्जा दिया जाना है, ठीक है। इसलिए नगर उसी को कहते हैं भारत में 75% जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना इस व्यवसाय से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जबकि इटली में, जापान में 50% जनसंख्या जो है वो इन व्यवसायों से जुड़ी है। अगर इन व्यवसायों से इटली और जापान में 50% जनसंख्या के क्षेत्र को नगर कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी निर्धारित किया जाता है उस निर्धारण का आधार पर अगर देखें तो भारत में 75% जनसंख्या उसमें गैर कृषिगत कार्य में शामिल होनी चाहिए। तो व्यवसाय के आधार पर भी हमने देखा कि कौन सी किसको हम नगर का दर्जा है, तो व्यवसाय के आधार पर भी नगर के दर्जे को हमने थोड़ा समझा है। इसको ध्यान रखना कि कई देश ऐसे हैं जहां 50% किया है और भारत क्या है 75% लोग जो है वो गैर कृषिगत कार्य में शामिल होने चाहिए। तीसरा जो है प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किसे हम नगर कहें, किसे हम नगर कहें, उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर ही इसका निर्धारण किया गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के संस्थान होते हैं, ठीक है ना, तो वो अपनी जो प्रक्रिया चलाते हैं पूरे समाज के अंतर्गत एक व्यवस्था बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। तो हम प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार यानी सरकार के द्वारा कुछ ऐसे
सूचित क्षेत्र घोषित कर देते हैं जो ऑटोमेटिक किसके अंतर्गत आते हैं, नगर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचना दी जाती है या जिसको अधिसूचित किया जाता है, वह क्षेत्र अपने सीमा में आने वाले संपूर्ण क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है। यानी उसका मुख्यालय जो होता है, जहां सारा कार्य करना होता है, उसको प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे आपका रतनगढ़ है, ठीक है ना, तो रतनगढ़ है, यहाँ पर आसपास के गांव में जितने भी, जो रतनगढ़ तहसील का सबसे ज्यादा काम होता है वो रतनगढ़ शहर में होगा। क्यों? क्योंकि तहसील मुख्यालय यहाँ है, एसडीएम कोर्ट यहाँ है, ठीक है ना, सेशन कोर्ट यहाँ है। तो जो मामले होते हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़े के हो, चाहे आपके कोई जमीनी विवाद हो, चाहे कोई घरेलू समस्या हो, ठीक है ना, इन सबके निपटान, यानी इनको खत्म करने के लिए, इनको उनकी सुलह कराने के लिए जो व्यवस्था की गई है, वो वैसे तो सब गाँव में ना छोटे मोटे रूप से की गई है पुलिस व्यवस्था के रूप में, लेकिन अगर, और कहीं उप तहसील के रूप में, लेकिन अगर सारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है कि बड़े स्तर पर कोई कार्यवाही करनी होती है तो उसको नगर में आना पड़ता है, इसमें इसलिए इसको एक नगर पालिका नाम दिया गया है। इसका नाम क्या है? नगर पालिका, ठीक है ना, नगर पालिका, जहां होगी उसे नगर कहेंगे। तो प्रशासन की व्यवस्था में किसी भी क्षेत्र को एक अधिसूचना जारी करके उसको नगर का दर्जा दिया जाता है, उसे भी नगर कहेंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था में, और पूरे विश्व की अगर बात करें तो जैसे ब्राजील है, बोलिविया है, तो ब्राजील और बोलिविया जो है वहां नगर उसी को कहा जाता है जो प्रशासन की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। यानी वहां के सारे नगर जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था वाले नगर ही कहलाए जाते हैं, या वहां की राजधानी हो, या कोई वहां पर कोई प्रशासन से संबंधित कार्य करना होता है, वो सारे शामिल इसी नगर के अंतर्गत, ठीक है ना। अब भारत की बात करें तो भारत के अंतर्गत आप देखें कि जो नगर पालिका है, अगर कहीं आपको नगर पालिका नाम लिखा हुआ मिले कि नगर पालिका है, तो जिस प्रदेश को नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत में नगर किसे कहते हैं, किस दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से। तो जहां नगर पालिका होगी, नगर पालिका एक ऐसा संस्थान होता है जो नगर की पूरी देखरेख करता है, उसके सौंदर्य की व्यवस्था करता है, उसके साफ सफाई की व्यवस्था करता है, उसकी स्वच्छ व्यवस्था की व्यवस्था करता है, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था करता है, जल निकासी की व्यवस्था करता है, जो भी इस अपने नगर के अंदर जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उन सबका समाधान करने के लिए एक निर्धारण संस्था बनाई जाती है, इसको नगर पालिका, ठीक है ना। अगर कहीं जैसे जिला स्तर होता है तो उसे नगर परिषद कहते हैं, क्या कहते हैं? नगर परिषद कहते हैं, ठीक। अगर संभाग स्तर पर हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। नगर पालिका हुआ, नगर परिषद हुआ, नगर निगम हुआ, सब क्या कहते हैं? नगर जैसा हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके बड़े प्रशासक संस्थान होते हैं, मुख्यालय होते हैं, और यहाँ उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी नगर की जो समस्या होती है उनका समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड का मतलब यहाँ यह है कि जो जहां मिलिट्री का सिस्टम होता है, जो सीमाओं के ऊपर मिलिट्री है, जैसे अपने राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से मिलती है, तो उसके पास जो मिलिट्री का एरिया होता है, या फ्रंट और फ्रंटियर दो एरिए जो सीमा पर होते हैं, एक सीमा के अंत का जो क्षेत्र होता है वहां तक भी वो सैनिक कार्यवाही गतिविधियां शामिल की जाती है। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का सीमा आ गई और ये राजस्थान की सीमा है, ठीक है ना, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, यहां जो फौज वगैरह की जो मिलिट्री वगैरह रह जाती है, इसको बोलते हैं हम सीमा। और यहां से लेके जहां तक का एरिया उसका कवर होता है उसको बोलते हैं सीमांत। क्या बोलते हैं? सीमांत। उसको हम यहां भी लागू कर सकते हैं, ये क्षेत्र भी सीमांत हो सकता है, ठीक है ना, इस पूरे एरिया को ले सकते हैं कि ये क्षेत्र भी सीमांत होता है, या यहां के जो जो जिले हैं उन जिलों की जो सीमा होती है उनको हम क्या बोलते हैं? सीमांत बोलते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो
जहां भोज की व्यवस्था होती है, मिलिट्री व्यवस्था होती है, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं क्या, शामिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामने। सुरक्षात्मक दृष्टि से जिस प्रकार की छावनियां होती है, उन छावनियों के पास जो बंदोबस्त होते हैं उन्हें कहते हैं छावनी बोर्ड। जैसे लालगढ़ छावनी, बीकानेर के पास में लालगढ़ छावनी, तो इस प्रकार से जो नगर निर्धारित होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो प्रशासनिक व्यवस्था बनते हैं, वहां सारी व्यवस्था प्रशासनिक देखी जाती है, वो नगर की व्यवस्था है, उसको छावनी बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा अधिसूचना निर्धारित करनी थी, अधिसूचना जारी करनी कि आज सभी क्षेत्रों को क्या कहा जाएगा, नगर कहा जाएगा, उसको भी किसका दर्जा दिया जाता है, नगर का दर्जा दिया जाता है। तो ये सारे जो है वो प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार आता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि इसको किसका दर्जा दिया गया है, नगर का दर्जा दिया है। प्रमुख रूप से यहाँ पर जो प्रशासन के क्या आते हैं, मुख्यालय आते हैं, ठीक है ना, जैसे एसडीएम बोर्ड हुआ, तहसीलदार ऑफिस हुआ, ठीक है ना, आपके न्यायालय हुआ, है ना, राजधानियां हुई, है ना, बड़े जिला मुख्यालय हुए, वो जैसे चुरू है, तो चुरू आपका जिला मुख्यालय हो गया, इस पूरे जिले का जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ है, चुरू है। तो जो चुरू सिटी है वो एक नगर है, और वो नगर किसके आधार पर बना है, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर, उसको हम प्रशासनिक नगर कहेंगे, क्योंकि इस राजस्थान आपके पूरे चुरू जिले के जितने भी गांव शहर जो भी आ रहे हैं उनकी सारी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कहां से निर्धारित की गई है, चुरू शहर में, चुरू जिले से। चुरू जिले का जो मुख्यालय है वो चुरू शहर में है, और वो जो चुरू को नगर माना गया है वो किसके आधार पर माना गया है, प्रशासन के आधार पे माना गया है। तो समझ में आया आपके कि प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हम नगर कहेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, छावनी बोर्ड है, जो मुख्यालय है, सरकार के द्वारा कोई अधिसूचना देकर के लिए आज नगर है, तो ऐसी स्थितियां जो होती है उन सबको हम क्या कहेंगे, नगर कहेंगे, ठीक है ना। तो कार्य राज्य में ले लिया कि यहाँ 50% जनसंख्या है, कितना प्रतिशत जनसंख्या, कौन से व्यवसाय में संलग्न है, ठीक है ना, तो 50% या 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न है तो उसको नगर कहते हैं। जनसंख्या के आधार पर कितनी कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वो नगर होंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में कि जितने भी मुख्यालय हैं या जिन क्षेत्रों से पूरे क्षेत्र की प्रशासन की व्यवस्था देखी जाती है उनको जो नगर का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, चौथा जो हमारा पॉइंट लगेगा, आगे का जो हिस्सा हमारा है उसके अंतर्गत लगे तो आवश्यक दशाएं, कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि उसको नगर बनाना पड़ता है, वहां की स्थितियां ऐसी होगी, वहां की दशाएं ऐसी होगी कि इसको इसके आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। और दशाओं के रूप में अगर कुछ ना कुछ मांगे तो वो क्या आते हैं, कार्य होते हैं, यानी उस क्षेत्र का कार्य जो है वो उसको नगर का दर्जा देता है, उस नगर के दर्जे के लिए वहां पर होने वाले कार्य का ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, महत्वपूर्णता दी जाती है कि यह कार्य हो रहा है इसलिए ये नगर किसी नगर के नाम से। जैसे मान लो ये कोई बैंक है, ठीक है ना, यहां से खनन होता है, क्या होता है, खनन होता है, अब खनन हो रहा है तो यहां से खनन किया जा रहा है, ठीक है, अब खनन होगा जैसे लोहा खत्म हुआ, ठीक है ना, इसका खत्म हुआ लोहा है, ठीक है, अब लोहा है स्थापित कर रहे हैं, तो आस पास में क्या स्थापित हो गए, उद्योग स्थापित हो गए। तो यहाँ के दूर दराज के जो लोग हैं, आस पास के जो लोग हैं, उनको खनन के लिए भी रोजगार मिल रहा है और उद्योगों में काम करने के लिए भी रोजगार मिल रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे इस सब जगह से क्या आ रहा है, लोग आ रहे हैं और इनको सबको क्या मिल रहा है, रोजगार। एक खनन के लिए रोजगार मिल रहा है और दूसरा खनन के बाद में जो कच्चा माल होगा उस कच्चे माल को तैयार करने के लिए उद्योगों की स्थिति भी चाहिएगी, ठीक है ना। तो भारी होने के कारण क्या है, उन खनन क्षेत्रों के पास ही उद्योगों का क्या हो गया, विकास हो गया। तो उद्योगों के विकास के लिए
यहां जैसे लोगों का विकास हुआ, लोग आए, अब लोग आए तो निश्चित रूप से इन लोगों के पास ही उनकी रहने की व्यवस्था करनी पड़ी, रहने की व्यवस्था करनी पड़ी। तो आसपास के क्षेत्रों में क्या बननी शुरू हो गई, बस्तियां बननी शुरू हो गई, बस्तियां बननी शुरू हो गई। अब फिर क्या है, बस्तियां बनी तो और लोग आने लगे, और लोग आने लगे तो यहां पर रोजगार के साधन और बढ़ाने के लिए और उद्योग खोलने लगे, उद्योग जो है वो ज्यादा खोले जाने लगे, और ज्यादा खोले जाने लगे, और उद्योग हो गए। अब अधिक जनसंख्या होने के कारण लोगों की व्यवस्था बनाने के लिए सरकार के द्वारा वहां प्रशासन की व्यवस्था करनी पड़ी, ठीक है। तो प्रशासन की व्यवस्था, अब जब उद्योग है तो उद्योग के आसपास लोग हैं तो काम करेंगे, उनको राशन पानी चाहिए, तो दूर दराज से जाने की बजाय यहीं पर हफ्ते के बाजार लग जाते हैं या महीने के बाजार लग जाते हैं, परमानेंट बाजार लग जाते हैं, ठीक है। तो बाजार लगने से मार्केट विकसित हो गया, मार्केट विकसित हुआ, लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो आपस में लड़े नहीं और नहीं हो, इसके लिए पुलिस व्यवस्था वहां होगी, ज्यादा लोग हैं इसलिए पानी की उपलब्धता भी करवानी पड़ी, भोजन सामग्री की व्यवस्था भी करनी पड़ी। तो सारी व्यवस्थाएं धीरे 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 क्या हुई, डेवलप हो गई, और डेवलप होने के बाद में ये पूरी जनसंख्या जो है वो कहां काम कर रही है, उद्योगों में। तो प्रमुख कार्य क्या हुआ, उद्योगों में, और इस नगर का विकास भी क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर क्या बढ़ गए, उद्योग बढ़ गए। तो उद्योगों के कारण यह नगर विकसित हुआ, ये जो नगर विकसित हुआ इसके कारण ना उद्योग। तो आपसे दशाएं क्या थी, खनन हुआ, दशाएं में यहां पर खनन के रूप में खनिज पाए जाते हैं, अब खनन हुआ उसके साथ उद्योग हुए, उद्योग लोगों ने काम किया, काम किया जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी प्रशासन आया, प्रशासन आया तो नगर का दर्जा मिला, लेकिन यह नगर का दर्जा इसके आधार पर बना कार्य के आधार पर, और कार्य का था उद्योग, उद्योग से संबंधित जो चीज होती है उसे कहते हैं औद्योगिक, है ना। अब उद्योग से संबंधित नगर है इसलिए ये कौन सा नगर बना, औद्योगिक नगर। तो ऐसे नगर आवश्यक दशाओं, आवश्यक दशाओं का मतलब है कि कार्य के आधार पर जब नगरों का विकास होता है, कार्य के आधार पर जब नगरों का विकास होता है तो उसे हम कहते हैं आवश्यक दशाओं का आधार, कि इस दशा, ये दशा बनी, ये परिस्थिति बनी तब ये नगर विकसित हुआ। तो जैसे सैन्य उद्योग है, सैन्य उद्योग जैसे अपने कोचीन है भारत के अंदर, तो कोचीन जो है वहां पर नेवी का क्या है, मुख्यालय है, तो नेवी का मुख्यालय है, तो वो एक तरह से जो नगर वहां डेवलप हुआ कोचीन के अंदर, वो नेवी का डेवलप, तो वहां सैन्य गतिविधियां आती है, वो जो नगर का विकास हुआ वो सैन्य नगर के नाम से जाना गया, ये उद्योग निश्चित रूप से औद्योगिक के नाम से जाना गया, ठीक है ना। अब मान लो जैसे आपके चंडीगढ़ है, ठीक है ना, तो चंडीगढ़ को एक तरह से शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार स्थापित किया गया नए नगर के रूप में। आपके कोटा है ना, आपके रुड़की है, आपके पिलानी है ना, सीकर है, ये क्या है, ये शिक्षा के लिए डेवलप हुए, ये इनको शिक्षा नगरी बोलते हैं, क्योंकि शैक्षिक गतिविधियां यहाँ जाते हैं, वो कार्य सीखे, इसलिए उनको शैक्षिक नगर के नाम से जानते हैं। तो जो कार्य के आधार पर नगरों का विकास होता है उनको हम आवश्यक दशाओं के आधार पर नगरों के विकास को कहते हैं, ठीक है ना। तो नगर कैसे बने, क्या नगरों के लिए स्थितियां होती है, नगर प्रकार कितने होते हैं, नगर वस्तु के वर्गीकरण कितने होते हैं, तो चार प्रकार से नगरों के वर्गीकरण करते हैं, इसी आधार पर इसका एक ढांचा पूरा खड़ा होता है। ये चार आधार है जिसके आधार पर हम नगरों को गर्व करते हैं, जनसंख्या के आधार पर हम नगर बता सकते हैं कि कितनी जनसंख्या ना हो उसको नगर कहेंगे, कौन कौन सा व्यवसाय होता है, 50% गैर कृषि कार्य होंगे और 75% गैर कृषि कार्य होंगे संलग्न होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में जितने भी जिला मुख्यालय है या प्रशासन के मुख्यालय है, जहां आसपास के पूरे क्षेत्र की तहसील की और सब गतिविधियां एक ही क्षेत्र में होती है, उस शहर को, उस नगर को क्या कहते हैं, प्रशासनिक नगर की व्यवस्था के अनुसार नगर का दर्जा देंगे। आवश्यक दशाएं, उस नगर का विकास किस कारण कार्य हुआ है, किस कार्य के आधार पर हुआ है, तो कार्य के आधार पर जो नगर विकसित हुआ उद्योग के लिए तो औद्योगिक नगर हुआ, शिक्षा के लिए हुआ तो शैक्षिक नगर हुआ, ठीक है ना, पर्यटन के लिए हुआ तो पर्यटन नगर हुआ, ठीक है ना। लेकिन आपके पर्यटन नगर की जो दशाएं हैं और औद्योगिक जो दशाएं हैं
विकास होता है, सॉरी नगरों का क्या होता है, विकास होता है। इसी आधार पर हम आगे का जो वर्गीकरण है, आगे का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर हम नगरों के प्रकार देख लेते हैं। नगरों में क्या करते हैं, प्रकार देख लेते हैं कि इस आधार पर नगरीय निवासों के प्रकार देखते हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या आएंगे नगरीय निवासों के, नगरीय अधिवासों के प्रकार, नगरीय निवासों के प्रकार को उसमें शामिल करेंगे। अब नगरीय निवासों के प्रकार में इसमें संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर कितने से कितने तक जनसंख्या होती है उसको किस नाम से जानते हैं, कितने से कितने जनसंख्या होगी उसको किस नाम से जानते हैं, कितने से कितने की जनसंख्या होगी उसको किस नाम से जानते हैं, इसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो चार प्रमुख रूप से आपके नगरों का वर्गीकरण किया गया है। चार नगरों का वर्गीकरण है जिसमें हम नहीं पढ़ेंगे, मैं यहां लिख देता हूं ताकि उनको कोई टॉपिक वाइज अपने सिस्टम से कर लेंगे। पहला है नगर, दूसरा है महानगर, तीसरा है संनगर और चौथा है बृहद नगर, इसको बोलते हैं विश्व नगर या मेगालोपोलिस, ठीक है ना, मेट्रो सिटी। ये चार नगरों का वर्गीकरण कर रहे हैं, नगरों के प्रकार हैं कि किसको हम नगर कहेंगे, किसको महानगर कहेंगे, किसको और कहेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि नगरों का विकास होता कैसे। नगरों के विकास के लिए सबसे पहले जो छोटी सी इकाई होती है उसको बोलते हैं नगला या पल्ली, क्या बोलते हैं, नगला या पल्ली बोलते हैं। और जैसे जैसे जनसंख्या का विकास होता है, ये 5-10-15-20 से हो गए 40-50 घरों का एक छोटा गांव बन जाता है, और गांव के बाद में फिर आपस में कहीं छोटे-मोटे गांव मिलकर, छोटे-छोटे गांव मिलकर आपस में जो प्रक्रिया करते हैं, ये गांव आपस में मिलते रहते हैं, जिनका विकास होता रहता है, फिर भी छोटा गांव बन गया, फिर भी छोटा गांव बन गया, फिर भी छोटा गांव बन गया, इस तरीके से करते करते बड़े गांव में लोग आते हैं, जिसमें 500-600 स्थिति रहती है। और यही धीरे धीरे बढ़ता 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 हुए एक कस्बे के रूप में आ जाता है, और कस्बा जो है आगे जाके नगर, नगर से फिर ये महानगर, महानगर से फिर ये विश्व नगर। तो इस तरीके से नगर का जो विकास होता है वो मेहराब की तरफ होता है, ऐसे मेहराब होता है ना जो पंखे के चारों तरफ है, झालर से लगी होती है। तो इस तरीके से सेंटर से क्या होता है, इसका विकास होता है, ठीक है ना। तो छोटे गांव से लेके, छोटे ढाणी से लेके और एक बड़े नगर तक का विकास जो है उसको हम बोलते हैं नगरीय विकास। तो इतने भी नगर है कि पहले हो सकता है कोई ढाणी रहे हो, कोई छोटा गांव रहे हो, कोई बड़ा गांव रहे हो, और कालांतर में जैसे समय के अनुरूप इसमें जो विकास हो उसके अनुसार इनको नगर, महानगर, संनगर, बृहन्नगर या मेगालोपोलिस के नाम से इनको जाना जाता है। अब इनका जो मापदंड रहेगा वो मापदंड मुख्य रूप से जो रहेगा वो रहेगा जनसंख्या के आधार पर, यानी जनसंख्या के आधार का अर्थ ये हो गया कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, उसके साथ साथ व्यवसाय भी, उसके साथ साथ प्रशासन की व्यवस्था भी, उनके साथ साथ आवश्यक दशाएं भी, उनको सबको शामिल करके हम बताते हैं कि नगर किसे कहेंगे और महानगर किसे कहेंगे, ठीक है ना। नगर और महानगर की स्थितियां रहती हैं। इसमें क्या है, पहला लेते हैं हम नगर, तो ऐसे क्षेत्र जिसमें 1,00,000 से 10,00,000 के बीच जनसंख्या होती है। नगर किसे कहें जिसमें 1,00,000 से
दस लाख के बीच क्या हो, जनसंख्या हो, ठीक है ना, एक इसको एक लाख ही नगर की कह सकते हैं हम, ठीक है ना, लाख ही नगर की कह सकते हैं। तो एक लाख से दस लाख के बीच में जहां जनसंख्या होती है उसे कहते हैं। इसके अलावा 50% से भारतीय के मामले में बदल जाता है 75% से, ठीक है ना। तो 50% जनसंख्या जो है वो कौन से कार्य में लगी हुई हो, गैर कृषिगत कार्य, कौन से कार्य में लगी हो, गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न हो। नगर किसे कहेंगे, ऐसा क्षेत्र जिसमें 1 लाख से 10 लाख तक की बीच की जो जनसंख्या है, 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या जहां होती है उसे नगर का दर्जा दिया जाता है। और उस नगर के अंदर 50% लोग जो है वो गैर कृषिगत कार्य यानी दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे व्यवसाय से क्या होने चाहिए, संलग्नता रखते हो। इसके उदाहरण के रूप में अगर देखें तो भारत में राजस्थान का बीकानेर नगर इसका उदाहरण ले सकते हैं। भारत में राजस्थान का जो बीकानेर नगर है वो उसको हम किसका गदा ले सकते हैं, नगर का गदा दे सकते हैं। इस तरीके से नगर की स्थितियां जो है उसको हम गार करते हैं। तो समझ में आया कि नगर किसे कहेंगे, अब आप कह सकते हैं कि नगर किसे कहेंगे। तो नगर के अंदर आएगा कि 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच अगर जनसंख्या है और उस जनसंख्या में 50% लोग जो है वो गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न हो, ठीक है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। हमारे भारत में राजस्थान का जो बीकानेर है उसको इसका नगर का दर्जा दिया जा सकता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, नगर कह सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक हमारा आता है या दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा महानगर, किसका आता है, महानगर का। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसका रहेगा, महानगर का रहेगा। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट